अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज रिजवान उल हक, आई एम फ्रॉम इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स। आज जिस टॉपिक के ऊपर आपसे बात करनी है, दैट इज ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन, और ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन में भी स्पेसिफिकली आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट सब क्लास 189। अच्छा, सब क्लास 189 हो, 190 हो, 489 हो, दिस इज कॉल्ड पॉइंट्स टेस्टेड स्ट्रीम। इसमें जो आपके पॉइंट्स आप क्लेम करते हैं, दैट इज योर एज, योर क्वालिफिकेशन, योर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड योर आइल्स स्पैन। एज की जो है वो तीन ब्रैकेट्स हैं हमारे पास अवेलेबल। अप टू द एज ऑफ 25 यू कैन क्लेम 25 पॉइंट्स। फ्रॉम द एज ऑफ 25 टू 33 यू कैन क्लेम 30 पॉइंट्स। फ्रॉम 33 ऑनवर्ड्स अप टू 40 यू कैन क्लेम 25 पॉइंट्स। एंड जो फोर्थ ब्रैकेट है उसमें पॉइंट्स आपके बहुत कम रह जाते हैं, दैट इज फ्रॉम 40 टू 45 आप सिर्फ 15 पॉइंट्स आप क्लेम कर सकते हैं। इसी तरह से आप अपने जो क्वालिफिकेशन है उसके पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं। इफ़ यू हैव 14 इयर्स एजुकेशन या आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है, डीएई किया हुआ है, तो उसके आप 10 पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने बैचलर डिग्री की हुई है विच इज इक्वल टू 16 ईयर्स एजुकेशन, तो आप उसके 15 पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं। और अगर आपने पीएचडी की हुई है, प्लीज रिमेंबर ऑस्ट्रेलिया जो है ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन में फ्रॉम 16 ईयर्स एजुकेशन अप टू पीएचडी कोई एडिशनल पॉइंट्स नहीं है। अगर आपने पीएचडी कंप्लीट की हुई है तो यू कैन क्लेम 20 पॉइंट्स फॉर योर एजुकेशन। इसके बाद जो थर्ड फैक्टर आता है, दैट इज योर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस अप टू दी ईयर्स 3 ईयर्स आपके जो हैं आप पॉइंट्स क्लेम करते हैं। 5 अप टू 5 ईयर्स आप 10 पॉइंट्स क्लेम करते हैं। अगर आपके पास 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप 15 पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं। ये तीन जो चीज़ें हैं इनको तो हम यूजली ऐसे कि इन तीन चीज़ों को हम ओवरनाइटली चेंज नहीं कर सकते। ना हम अपनी एज चेंज कर सकते हैं, ना क्वालिफिकेशन चेंज कर सकते हैं, ना ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस को चेंज कर सकते हैं। द वेरिएबल विच कैन बी चेंज, दैट इज योर आइल्स बैंड, एंड आइल्स plays a critical role. IELTS का नाम हम इसलिए ले लेते हैं ऑस्ट्रेलियन, दो ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन में IELTS is not the only English language test जो कि अवेलेबल है। ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन अथॉरिटीज जो हैं, होम अफेयर्स जो हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन, दे एक्सेप्ट IELTS को एक्सेप्ट करते हैं, CAE कैम्ब्रिज एडवांस इंग्लिश को एक्सेप्ट करते हैं, पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश को एक्सेप्ट करते हैं, OET ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्टिंग को एक्सेप्ट करते हैं, और टॉफल को एक्सेप्ट करते हैं। तो आप इनमें से कोई भी टेस्ट जो है उसमें अपीयर हो सकते हैं, अनलेस के आपकी जो असेसिंग अथॉरिटी है उन्होंने कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ना रखी हो। जिस तरह से जो इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया है, दे डोंट एक्सेप्ट CAE एंड OET टेस्ट। बाकी इसी तरह आपको जब भी आप अपनी स्किल असेसमेंट की तरफ जाएं तो आप अपनी असेसिंग अथॉरिटी की रिक्वायरमेंट को जरूर चेक कर लें। कुछ असेसिंग अथॉरिटीज हैं जिनकी आइल्स की अप फ्रंट पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, दे से दैट यू कैन क्लेम दीज पॉइंट्स विद डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन। आइल्स में अगर आप 6 ईच बैंड लेते हैं तो आप पॉइंट्स नहीं क्लेम कर सकते, लेकिन 6 ईच बैंड रिगार्डलेस ऑफ द सब क्लास इज रिक्वायर्ड। आप सब क्लास 189 में अप्लाई कर रहे हैं, 489 में अप्लाई कर रहे हैं, या 190 में अप्लाई कर रहे हैं। चूंकि मेरा आज का टॉपिक सब क्लास 189 है तो मैं उसी के ऊपर फोकस करूंगा। फिर मैं अगली कुछ वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे जिसमें सब क्लास 190 को एक्सप्लेन करेंगे और सब क्लास 489 को एक्सप्लेन करेंगे। ऐसे लोग जो पॉइंट्स मीट नहीं कर पाते तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, या आप मेरी दूसरी वीडियोज जो हैं उनके अंदर आप देख सकेंगे। आइल्स जो है ये एक वेरिएबल है। आप इफ यू एवर हर्ड अबाउट इट ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन और आपने पॉइंट सिस्टम के बारे में सुना हो, तो पॉइंट्स जो है वो आप 60 पॉइंट्स, यूजली इट यूज टू से कि जी 60 पॉइंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं, लेकिन ऑन द 30th June 2018 को डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन ने पॉइंट सिस्टम जो है वो 5 पॉइंट्स रेज कर दिया। जो फैक्टर्स हैं वो चेंज नहीं हुए, जो पॉइंट सिस्टम है वो चेंज नहीं हुआ, सिर्फ जो थ्रेशोल्ड है, मिनिमम जो पॉइंट्स आपने क्लेम करने हैं वो 65 कर दिए हैं, फ्रॉम 60 to 65, 5 पॉइंट्स का थ्रेशोल्ड जो है वो बढ़ गया है। तो आई ऑलवेज से कि जी द बेस्ट टाइम टू अप्लाई फॉर इमिग्रेशन वॉज येस्टरडे एंड नेक्स्ट बेस्ट टाइम इज नाउ। सो इफ यू आर प्लानिंग टू अप्लाई फॉर इमिग्रेशन, आई बिलीव दैट यू नीड टू टेक द राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। ये स्टेप लेने की ही बात होती है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं, आई कम अक्रॉस पीपल जो कि ये समझते हैं कि जी शायद इमिग्रेशन उनके लिए नहीं है। इमिग्रेशन में जो लोग जाते हैं दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। नो, दे आर जस्ट कॉमन पीपल, दे आर लाइक यू, दे आर लाइक मी। हम ही लोग हैं जो इमिग्रेशन के लिए, बट द ओनली डिफरेंस,
जो वेरिएंस आता है वो ये है कि जी कुछ लोग स्टेप ले लेते हैं और कुछ लोग जो है वो जस्ट दे कीप थिंकिंग और वो डायरेक्शन अपनी सेट नहीं करते, इसलिए उनकी इमिग्रेशन भी नहीं हो पाती. टू स्टार्ट अ जर्नी ऑफ 1000 miles आपको एक स्टेप लेना ही होता है. ये जो फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स के आप पॉइंट्स क्लेम करते हैं और सब क्लास 189 में कोई एडिशनल पॉइंट्स नहीं होते कि जी आप अपने रिलेटिव के पॉइंट क्लेम कर सकें या आप कोई स्टेट के पॉइंट्स क्लेम कर सकें. 6 बैंड ईच आपको लेना ही लेना है, 65 पॉइंट्स आपने मीट करने हैं एंड देन आपने 7 बैंड अगर आप ले लेते हैं 7 in each module तो आप 10 पॉइंट्स क्लेम कर लेते हैं. अगर आप 8 in each module लेते हैं तो आप 20 पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं. यूजली लोग जो हैं, पीपल आर अफ्रेड के जी 7 or 8 बैंड लेना तो बहुत मुश्किल है एंड आई से कि जी इफ यू रन अराउंड विद 9 7 बैंडर्स और 8 बैंडर्स तो यू आर द 10th अचीवर ऑफ 7 बैंड और 8 बैंड, बट इफ यू रन अराउंड विद 9 losers यू आर द 10th loser. सो आप बड़ा केयरफुली ये आपने फैसला करना है कि अगर आपने 7 बैंड लेना है या 8 बैंड लेना है तो एवरीथिंग स्टार्ट्स फर्स्ट वो आपके माइंड में स्टार्ट होती है एंड देन यू एक्चुअली डू इट इन प्रैक्टिकल. सो एटलीस्ट आप ये सोचना जो है वो छोड़ दें कि जी 7 या 8 बैंड लेना बहुत मुश्किल है. यू जस्ट नीड टू टेक द राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन. ये सब क्लास 189 है. 189 में फिर हर महीने राउंड रन होते हैं. जो राउंड्स का जो फ्रीक्वेंसी थी यूजली दैट वाज कि जी हर महीने 2 राउंड्स रन होते थे. इन 2017 वी सॉ कि जी डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन जो है वो हर राउंड में 1200 लोग जो है वो सिलेक्ट करता है. फिर हमने देखा कि जी 2018 में आके उन्होंने 300 लोगों को सिलेक्ट करना शुरू कर दिया. लेकिन थैंकफुली दोबारा से जो है वो अब राउंड तो वो एक ही रन करते हैं. ऑन द 11th ऑफ एवरी मंथ राउंड रन होता है. दिस इज व्हाट इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जो है यही 11th ऑफ जुलाई को राउंड रन हुआ, 11th ऑफ अगस्त 2018 को राउंड रन हुआ और 11th ऑफ सितंबर को 2018 को राउंड रन हुआ. अब ये जो राउंड्स हैं, इन राउंड्स के अंदर जो होती है ये पूल सिस्टम है. एवरीबॉडी, मैं भी अप्लाई कर रहा हूँ, आप भी अप्लाई कर रहे हैं, हम एक पूल के अंदर आ रहे हैं और वहां पे जो है वहां से हमारी सिलेक्शन होती है इन राउंड्स के अंदर. इसमें कुछ कैटेगरीज हैं जिनमें मोस्टली जो कैटेगरीज हैं वो अकाउंटेंट्स की हैं, वो आईटी की हैं, वो इंजीनियर्स की हैं, जिनमें आपको प्रो रेटा कैटेगरीज इनको कहते हैं. और इनमें जो पॉइंट सिस्टम है दैट आपने 65 पॉइंट्स का क्राइटेरिया मीट करना है और इन एडिशन टू दैट आपने कट ऑफ देखना है और थ्रेश होल्ड को देखना है. जो थ्रेश होल्ड इस वक्त चल रहा है मोस्टली आईटी में 75 पॉइंट्स पे चल रहा है. एक दो कैटेगरीज हैं जिनमें 70 पे चल रहा है. अगर हम इंजीनियरिंग को देखें तो उसमें भी 75 पे चल रहा है या 70 पे चल रहा है. लेकिन जो जनरली डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन जो लोगों को सिलेक्ट कर रहा है फ्रॉम द पूल वो भी इस वक्त 70 पॉइंट्स के ऊपर है. आप ये सारा अगर आपको लगता है कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स कोई सिनेरियो बनता है तो यू कैन ऑलवेज टेक गाइडेंस फ्रॉम अस. आप हमें अपना CV सेंड कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें अपना CV wecare@immigrationexperts.pk पे सेंड कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं 0308-585-7777 पे. आप कॉल करके अपनी एक फ्री में असेसमेंट जो है वो हम करके देते हैं आपको कि जी वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट एलिजिबल. यूजली ये कंसिडर किया जाता है कि जी MBAs और जिन लोगों ने MA किया हुआ है या BA किया हुआ है ये एलिजिबल नहीं है. ऑफ कोर्स सब क्लास 189 के अंदर जो ऑक्यूपेशंस हैं वो ज़रा लिमिटेड हैं, लेकिन सब क्लास 190 और 489 में ऑक्यूपेशंस जो हैं वो काफ़ी एक्सपेंडेड हैं. उस लिस्ट को भी देखने की ज़रूरत है. उसके ऊपर मैं अपनी अगली वीडियोज बनाऊंगा और उसमें आपको फर्दर गाइडलाइन दूंगा. बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ और अपनी कम्युनिटी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच.